नौजवानों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ और हमारी सारी अपडेट्स हासिल करो। और आपने घबराना नहीं है। बच गए यार। हाँ यार, करना क्या है अब आगे? करना क्या है? रोशनी होने का इंतजार। हाँ, रोशनी होते ही निकल जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे सुबह तक? सो जाते। बड़ा भगाया यार पुलिस वालों ने। क्या टाइम हो गया? शहरोज, शहरोज, सुनिए, सुनिए। जहारा। अरे मेरा नाम रजा है। मेरा नाम है जहारा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे जहारा साहिबा, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? घर है मेरा, मैं घर पर नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? अच्छा, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? तुम बताओ, तुम यहाँ आए, मेरे पास आके बैठे, तुम्हें एक लम्हे का भी मुझसे खौफ आया? नहीं, यही तो मसला है। आपको मेरे यहाँ बैठने से मसला है? नहीं, तुम्हारा मुझसे
ना डरना, ये मसला है। लेकिन मैं आपसे क्यों डरूंगा, आप तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। एक तो मसला है, खूबसूरत हूँ जब भी कोई नहीं डरता, भला कोई भूत भी खूबसूरत होता है? अरे भूत तो सारी भूत और नहीं तो क्या, मैं भूत हूँ? दुनिया भर के भूत देख लो, चकले बुरी, बाल लंबे, दांत बाहर। मेरी कजिन रागिनी नाम सुनकर लोगों को खौफ आता है, लेकिन नहीं, एक मुझे ये जाना था, जब मेरे माँ बाप को मैं कभी पसंद ही नहीं आई। एक बेटी पहनो, एक वो भी इंतहाई खूबसूरत। कोई डरता ही नहीं है मुझसे, कितनी भी कोशिश कर लो कोई डरता ही नहीं है। रागनी के साथ कोई डरता है? तुम कहाँ चले? नहीं जी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने ना गिरफ्तारी देनी है, चोरी की सजा 7 साल, मैं 7.5 साल बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है जी? ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मुझे लाइसेंस चाहिए। किसका? ड्राइविंग का? अरे नहीं भाई, डराने का। मतलब आप यहाँ के नहीं हो? नहीं, मैं तो पिंडी का हूँ। इंसान हो? हाँ वो तो तू भी है। खबरदार जो ऐसा इल्जाम लगाया मुझ पर, मैं इंसान नहीं हूँ, भूत हूँ। हंस क्यों रहा है तू? तू भूत है? हाँ। अरे तू भूत है ना? भूत है तो चल डरा मत, डरा ना, डरा तो। अरे डराने के ही तो लाइसेंस मांग रहा था उससे। एक दफा दे देना मुझे, फिर बताता मैं तुम्हें, बगैर लाइसेंस के हमें पुलिस उठा देती है। ओ, पुलिस उठा के ले जाती है, फिर क्या करती है पुलिस? पुलिस उठा के हमें जेल में डाल देती है। जेल की दीवारों पर ना मंत्र वंतर लिखे होते हैं, उससे बड़ी तकलीफ होती है हमें। अबे क्या चुतिया जैसी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है? पुलिस उठा के मैं जेल में डाल देती है, जेल की दीवारों पे ना मंत्र वंतर लिखे होते हैं, उससे बड़ी तकलीफ होती है। अबे भूतनी के सुन लिया तेरा खबरनामा, दिमाग खराब है क्या तेरा? साला हर जगह रिश्वत, हर जगह बेमानी, हालांकि पता भी है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम है, लेकिन नहीं, हमारी सुनता कौन है यहाँ पे? इससे तो बेहतर है इंसान चोरी करके अपना पेट पाल ले। इंसानों वाली आदत लग गई हमें, वरना हम भूतना बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे। एक वक्त में एक ही बंदे को डराते थे, जितने बंदों को डराते थे उतने ही पैसे मिलते थे, और ये करेंसी वाला तसव्वुर भी ना हमें तो इंसानों में सा है, वरना हम भूत तो भाई सिर्फ खून और हड्डियों में ही डील किया करते थे। तो तू पैसे कमाने के लिए सब करना चाहता है? नहीं, एक इंसान है वो हमारी बस्ती को ना तबाह करना चाहता है।
इस जगह को ख़त्म करके यहाँ पे मॉल बनाना चाहता है। मुझे उस बंदे को डराना है, उसे यहाँ से भगाना है। अच्छा, और बता इस जगह के बारे में। मैं बताऊँ, ये जगह ना यहाँ पे 200 सालों से है। यहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। बड़े सोचते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है। सुनो यार नौजवान जी, आपने मुझसे कुछ कहा? क्या तुम अपने आप को नौजवान नहीं समझते? इसमें समझने की क्या बात है? मैं तो बस चुप। फजूल बातें सुनना पसंद नहीं मुझे जी। अच्छा, ये अच्छा कहने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे अब राइटर ने लिख दिया तो बोलना तो पड़ेगा। इधर आओ। आप भी भूत हैं? भूतों का बाप हूं मैं, दादा कहते हैं मुझे। लो, बाप है तो दादा क्यों कहते हैं? चुप, फिर फजूल बात। आपसे भी कोई नहीं डरता होगा, आपका भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, है ना? नामाकूल, अब हम रिटायर हो गए, लोगों को डराना हमने छोड़ दिया है। अच्छा, है? क्या मतलब जवानी में हम लोगों को डराया करते थे। ये देखो, एक बंदे को मैंने ऐसा डराया कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठा। आजकल लंदन में बैठ के एक पार्टी चला रहा है। फिरौन के जमाने में मैंने एक बंदे को ऐसा डराया कि वो अपनी याददाश्त ही खो बैठा, और ऐसी याददाश्त खोई कि वो मरना ही भूल गया। आदमी काबिल था, पॉलिटिकल पार्टी में गया, 2 दफ़ा वजीर आला बना। एक लड़की थी, एक हॉस्पिटल में एक दरख्त के नीचे से गुजर रही थी, उस दरख्त के ऊपर मेरा ठिकाना था। उस लड़की पे मैं हावी हो गया, और ऐसा हावी हुआ कि 5 साल तक हावी रहा। फिर गवर्नमेंट ऑफ बीसी ने गवर्नमेंट ऑफ भूत और चुड़ैल ने मुझे तमगे से भी नवाजा। कौन सा तमगा दिया? तमगा भूतनी के। आजकल के भूतों को डराना कहाँ आता है? कोई तरीका होता है, कोई टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है? टेक्निक ये होती है कि भाई, तुम इंसान को उस वक्त डराओगे जब वो तुमसे कोई उम्मीद ना कर रहा हो। वो देखो, और मैं तुम्हारे पीछे आया और मैंने तुम्हें अचानक सीख का अब हम रिटायर हो गए, शायद इसलिए तुम हमसे नहीं डरे। लेकिन क्यों? सारे भी भूत ही भाग रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन ये सब वहाँ क्या करने जा रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं ये लोग? पता नहीं, पर अगर मुझे बड़ी गड़बड़ लग रही है। निकल निकल निकल, भाग 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 भाग। यहाँ पर कहीं है, मुझे भूल गया कि सेंटर था, वो दबा दिया।